खबर हाथरस से है, जहां उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक मकान में महिला का शव पड़ा मिला। पूरा मामला गोकुलधाम कॉलोनी का है। बताया जा रहा है कि महिला पति से तलाक के बाद काफी समय से अपने मायके में रह रही थी। वहीं गुरुवार को घर से बदबू आने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही डॉग स्क्वाड टीम और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में ले लिया। मृतका के हाथ पैर बंधे हुए थे और घर के पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। बताया जा रहा है कि कई दिन से महिला घर में अकेली रह रही थी। जयपुर में भी महिला के पिता का घर है। लॉकडाउन होने के कारण माँ भी वहीं पर थी। जिस समय वारदात को अंजाम दिया गया, उस समय महिला घर पर अकेली थी। वहीं महिला के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गेट थाना क्षेत्र में एक घर से काफी बदबू आने की शिकायत मिली थी, तो जब घर को अंदर देखा गया तो उसमें एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव इसमें मिला है। जो बताया जा रहा है महिला के रिश्तेदारों द्वारा, वो महिला जो है थोड़ी सी मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, जिसके कारण ये अकेली रहती थी। इनका यहाँ पे तलाक भी हो चुका था 4 साल पहले। यहाँ पे ये अकेली रहती थी और जैसे तैसे इनका गुजारा चल रहा था। उसी में जब कुछ दिनों से ये कहीं दिखाई नहीं दी और आज जब घर के पास बदबू आने लगी तो उसी में पुलिस को सूचना दी। जो शव है उसको कब्जे में ले लिया जा रहा और पोस्टमार्टम करके पता चलेगा कि मृत्यु का कारण क्या है।